मोर आवास मोर अधिकार सहित प्रदेश कांग्रेस सरकार के प्रशासनिक अक्षमता, भ्रष्टाचार, जनता की मूलभूत समस्याओं के निराकरण पर नाराजगी जताते हुए विधायक निवास का घेराव किया, साथ ही मटका फोड़कर व नारेबाजी कर आक्रोश जताया। वहीं दुर्ग विधायक भी प्रदर्शन करने पहुंचे, भाजपाइयों को निवास पहुंचने पर मिठाइयां बांटी। दुर्ग के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा के निवास का घेराव कर आक्रोश जताया गया। साथ ही इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के निमित्त एवं प्रदेश कांग्रेस सरकार के प्रशासनिक अक्षमता, कुशासन, भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारिता, जनता की मूलभूत समस्याओं के निराकरण में नाकामी, खराब कानून व्यवस्था, चोरी, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार जैसी बढ़ती आपराधिक घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं, पट्टा वितरण पर रोक, पेयजल समस्या, साथ ही अन्य जैसी समस्याओं के खिलाफ भाजपाई सड़क पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। दुर्ग विधायक अरुण वोरा जी को 4 साल 3 महीना हो गए विधायक बने। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास के लिए माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्याप्त पैसे भेज दिए। जितने भी कच्चे मकान हैं, बगैर छज्जा के मकान हैं, उन सबको पक्का मकान देना है। लेकिन भूपेश बघेल जी और इसके पूरे विधायक और मंत्री लोग गरीबों को पक्का मकान न मिले करके पैसा को वापस कर दिए हैं। और इनका पत्र कदवार मंत्री, कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव जी ये पत्र लिखे हैं 4 पेज के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। और कल अरुण वोरा जी और धीरज बाकलीवाल जी ने बहुत ही निम्न स्तर का बयान दिए, जिससे दुर्ग नगर के छवि को काफ़ी धूमिल हुआ है। और कानून व्यवस्था तो है नहीं दुर्ग में, गृह मंत्री जी यहीं रहते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का यही गृह क्षेत्र है। 5-5 मंत्रियों का गृह क्षेत्र होने के बाद भी दुर्ग सहित जिले में कानून व्यवस्था है नहीं। दुष्कर्म लगातार हो रहा है, गांजा, चरस, हफीम जैसे सूखा नशीले पदार्थ पर्याप्त मात्रा में बिक रहे हैं। थाना में कानून व्यवस्था है नहीं, पुलिस का डर खत्म है, जगह जगह जुआ सट्टा अलग चल रहा है, महादेवा ऐप यहीं से चल रहा है, इसके कारण पूरा देश का नाम बदनाम हो रहा है। नाली निर्माण हो नहीं रहे हैं, नाली के कचरे साफ नहीं हो रहे हैं, बजबजा रहे हैं। जैसे कि विधायक निवास आप लोग घेरने वाले थे, तो विधायक खुद आप तक पहुंच गए थे, क्या बोला था? विधायक का वो निम्न स्तर काम है, उसको मतदाताओं को समस्या का समाधान करना चाहिए, तो वो झूठी वाहवाही लेने के लिए आए थे। मैं तो बोला उसको स्वागत है, अरुण जी पार्टी प्रवेश करना चाह रहे हैं तो आ जाओ, और नहीं है तो ये घड़ियाली दिखावा मत करिए। 4 साल पहले आपने मतदाताओं को जो वादा किए थे उनको पूरा कीजिए। वहीं शहर विधायक अरुण वोरा ने खुद पहल करते हुए प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की, और बावजूद इसके जब भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में निवास पहुंचकर नारेबाजी करने लगे, तब विधायक की एक तरफ से पहुंचे सभी लोगों ने मिठाइयां बांटी, जिससे आक्रोश भाजपाइयों ने वोरा निवास के पास मटका फोड़कर घर के सामने लगे पोस्टर को फाड़ दिया। जबरदस्त आक्रोश है भारतवासियों में और हमारे प्रदेशवासियों में, क्योंकि दुर्लक्ष कर रही है। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर केंद्र कोई पैसा नहीं दे रही है। हम तो विधानसभा में रहते हैं, हम देखते हैं, प्रश्न भी करते हैं कि केंद्र सरकार पैसा क्यों नहीं देती। ये आवास की जो बात उठा रहे हैं ना, तो इन्होंने ही पैसा नहीं दिया है। राज्य की सरकार पैसा दे के गरीबों का आवास बना रही है और इनको इसमें राजनीति सूझ रही है। राजनीति नहीं करके केंद्र सरकार से जाके पैसा मांगना चाहिए। नहीं, हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया कि केंद्र सरकार का जो हक बनता है 40% उनको देना है तो 40% दे दे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। अब ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है कि हम अपने राज्य सरकार के पैसे से इन कामों को पूरा करेंगे। मैं ये अब वो तो उन लोगों ने एक औपचारिकता निभाई है, मैं तो खुद ही घेरने चले गया था। मैंने कहा मेरे को घेरने आ रहे हो, हम सांच को आँच नहीं, हम खुद ही बताएंगे हमने क्या क्या किए। जो जो करता है वो डरता नहीं है,
और वो डरता वही है जो कुछ करता नहीं है। तो हमने तो किया है, करने वाले डरते नहीं। मिठाई खिलाता हूँ और आओ भगत करने चाहिए मेहमान का, मेहमान किसी भी रूप में आ सकता है। जिस तरह से आज भाजपा विभिन्न मूलभूत सुविधाओं को लेकर अपना आक्रोश विधायक निवास पर नारेबाजी कर मटका फोड़कर कर रही है, जता रही है, वहीं विधायक ने इन सबको बेबुनियाद बताकर सिरे से नकार दिया है। अब देखना होगा कि भाजपा इन सभी विषयों पर अगला रुख कब और कैसे अपनाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गसेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।